हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक पज़ल गेम का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है रत्ना टॉयज के द्वारा बनाया हुआ स्नेक चैलेंज जो है पज़ल गेम है। तो दोस्तों इसके पहले भी हमने इस तरीके के ब्लॉक्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स में से जो है डिफरेंट काइंड ऑफ पज़ल्स को जो है सॉल्व करना होता है, जिसके अंदर जो है एक चैलेंज बुक भी होती है, चैलेंज कार्ड या तो चैलेंज बुक होती है, और पीसीज को जो है ज्वाइन करते हुए डिफरेंट डिफिकल्ट पज़ल्स को जो है सॉल्व करना होता है। तो वो वाले जो प्रोडक्ट्स थे उसकी भी अनबॉक्सिंग के रिव्यूज़ के वीडियोस जो है मैं यहाँ पे उसके प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे यार रत्ना टॉयज जो है ना बहुत ही पुरानी कंपनी है और इंडिया की मुझे लगता है नंबर वन खिलौने बनाने की कंपनी है। उनकी बहुत सारी बोर्ड गेम्स आती हैं, बहुत सारे खिलौने आते हैं। तो उसकी अलग अलग प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग रिव्यू के वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बनाए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी दोस्तों। तो इसके अंदर जो है 41 ब्लॉक्स है और 40 चैलेंज कार्ड्स है। 3 साल से बड़े बच्चे जो है आराम से इसको खेल सकते हैं। उनका जो है नॉलेज, डेक्सटेरिटी और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जो है आप मतलब बच्चों का जो है बढ़ेगा। तो इसको जो है आप अपने बच्चों को जो है उनके बर्थडे पे या तो दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, जन्माष्टमी, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे ओकेजन पे आप गिफ्ट में दे सकते हैं। और यहाँ पे ये स्कैन करके आप प्रोडक्ट का ओवरव्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्नेक चैलेंज इज अमेजिंग माइंड चैलेंज गेम। तो यहाँ पे ये माइंड चैलेंज गेम है। द प्लेयर्स हैव टू लिंक टू कंप्लीट स्नैक्स बेस्ड ऑन द कार्ड गिवन। वाओ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इस तरीके का एक चैलेंज कार्ड जो है मिलेंगे, और इसके अंदर लेवल्स है 1 to 40 तक। तो 40 वाला जो है सबसे डिफ़िकल्ट लेवल होगा, ठीक है। और मे बी आपको इस तरीके से कुछ कंप्लीट करना होगा। ओके, तो इसकी कीमत है दोस्तों 435। तो ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे रत्ना टॉयज़ जो है, प्रेम रत्ना टॉयज़ उसका नाम है, और इन्होंने जो है बहुत सारी कंपनीज़ को जो है एक्वायर भी किया है अपनी कंपनी की प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने के लिए, जिसमें एक नाम मुझे याद है टॉयज़ बॉक्स। और तो यहाँ पे जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है, और इनका जो है कस्टमर केयर नंबर, वेबसाइट और ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और इन केस ये प्रोडक्ट आपको कहीं से नहीं मिल पाता है तो आप हमसे भी जो है ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इसको जो है ज़्यादा देर ना लगाते हुए खोल के एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी इंटरेस्टिंग चैलेंज गेम्स है। तो इसके पहले जो है हमने बनाया था उसका क्या नाम था, नाम तो मैं भी भूल गया हूँ। बहुत यार एक्साइटिंग थी और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी थी, जैसे जैसे उसमें लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये गेम ऐसा है कि अगर आपका बच्चा जो है ये सब पज़ल वज़ल सॉल्व करने में इंटरेस्ट रखता है तो उसका 1-2 वीक आराम से इसमें आप जो है वो कट जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे खिलौने अगर आप लेके देंगे तो आपका बच्चा जो है 2-3 दिन में खेल के उसको छोड़ देगा। बट इसमें कुछ करने का है, एक्टिविटी बेस्ड टॉय है, तो उसको जो है अगर इसको कंप्लीट करना है तो इसकी सभी पज़ल्स को सॉल्व भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा संभाल के कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट को मुझे सेल भी करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो इस तरीके के पीसीज मिल जाते हैं और इस तरीके के चैलेंज कार्ड्स जो है मिल जाते हैं लेवल 1। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको इसको से खोजना होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके, यहाँ पे यही चीज़ जो है उसके छोटे छोटे यहाँ पे टुकड़े कर दिए थे। इसमें कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है, बट साइजेस है अलग अलग। तो पहले मैं साइज वाइज जो है ये कार्ड को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये जो है बड़े वाले हैं, ये भी बहुत सारे हैं। छोटे वाले हैं, तो ये डिफ़िकल्ट पज़ल के अंदर ये छोटे वाले यूज़ होते होंगे और आसान आसान में ये बड़े वाले शायद होते होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कितने हैं देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
तो ये छोटे वाले जो है 21 है, ओके। और ये वाले देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पे ये 20 है। अब यहाँ पे इसमें करना क्या है, एक बार फिर से मैं ज़रा सा देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे इस तरीके से कार्ड ही खोजना है कि कुछ करना भी है। चलिए इसको भी एक बार खोल के देख लेते हैं। तो लेवल 1, तो यहाँ पे ये पहले तो बड़े वाले में से 4 पीसीस ऐसे ढूंढने हैं, छोटे वाले से ये वाले ढूंढने हैं, और इसमें से हमको शायद ये बनाना है। ओके, वो नहीं बनाना है, इस तरीके से बनाना है। तो अब यहाँ पे इसको देखना होगा कि नहीं देखना होगा। तो पहले मुझे लगता है कि हमको खुद से ही ट्राई करना होगा इसको करने के लिए। तो चलिए पहले मैं इसमें से जो है इस तरीके का ढूंढता हूँ। तो ये जो है ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक मिल गया, ठीक है। ओके, ये एक मिल गया, और राइट, ये भी एक मिल गया, और ये भी एक मिल गया। ओके, तो ये इतनी चीज़ें मिल गई है। अब इसमें से हमको ये वाले 2 ढूंढने हैं। तो चलिए ये एक मिल गया है यहाँ पे हमको, और ये एक दूसरा वाला भी जो है मिल गया है। तो चलिए अब जो है ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। मे बी खुद से ही करना होगा, बाद में हम पीछे फिर से एक बार देखेंगे। तो इसमें आपने देखा ना कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, उस तरीके का ये पूरा गेम है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल 1 में ही जो है कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। तो अब इसको जो है अगर बनाना है तो इसको देख देख के बनाना है कि वो मुझे अभी थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये देखेंगे तो यार तो बहुत ही आसान हो जाता है, फिर तो इसमें कुछ रहता नहीं है करने के लिए। ओके, तो ये वाला जो है गलत है। देखते हैं इसमें और भी कोई है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। अब ये थोड़ा सा अभी इसमें मुझे कन्फ्यूजन है कि भाई इसमें ये पीछे जो है इसका सॉल्यूशन देखना है कि नहीं देखना है। यहाँ पे इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं आपको पहले कार्ड के अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बता देता हूँ। ये है, फिर ये है, इसमें ये वाला पज़ल है, फिर ये है, तो ये मुझे जो है रत्ना टॉयज़ वालों को ईमेल करके पूछना पड़ेगा कि, या तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो कुछ दिया है उसको भी शायद मैं देख के समझने की कोशिश करूँगा कि भाई इसमें ये पीछे देखना है कि अपने आप से ही इसको बनाना है। बट है यार दिमाग लगाने वाला जो है ये पूरा है।
मुझे भी सोचने में 5-6 मिनट लग गए। तो छोटे बच्चों को तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे छोटे बच्चों का आज के समय में दिमाग जो है ज़्यादा चलता है बड़े से, क्योंकि अब मैं तो जो है बूढ़ा हो गया हूँ, मतलब आधी ज़िंदगी मेरी चली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। और इसको जो है आप अपने बच्चों को ज़रूर से मतलब ख़रीद के दीजिएगा, ऐसा मुझे लगता है। भले ही साल में एक महंगी चीज़ आप ख़रीद के दें, बट ऐसी चीज़ दें कि जिससे कि बच्चे का जो है पूरा एक महीना निकल जाए ये सोल्व करने के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल जो है काफ़ी बढ़ रहा है इसके अंदर, पीसीस जो है छोटे छोटे होते जाते जा रहे हैं और कॉम्बिनेशन भी जो है डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है पीछे इसमें देखना तो नहीं होगा, शायद अपने आप से ही बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो इसको दोस्तों ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ।